आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं सूर्य ग्रहण की। और सूर्य ग्रहण पर बात करने से पहले हम देखते हैं आज हुए सूर्य ग्रहण का विहंगम दृश्य। चलिए अब जानते हैं सूर्य ग्रहण होता क्या है। होता यह है कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है और इसी खगोलीय घटना को सूर्य ग्रहण कहा जाता है। सूर्य ग्रहण प्राय अमावस्या के दिन होता है। ये माना जाता है कि साल में सूर्य ग्रहण लगभग 2 बार अवश्य रूप से होता है। अब सवाल ये उत्पन्न होता है कि सूर्य ग्रहण कितने प्रकार का होता है। सूर्य ग्रहण मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है, पूर्ण सूर्य ग्रहण, खग्रास सूर्य ग्रहण और परवलयाकार सूर्य ग्रहण। 21 जून 2020 को हुआ सूर्य ग्रहण परवलयाकार सूर्य ग्रहण था। यह सूर्य ग्रहण वह होता है जिसमें चंद्रमा सूर्य से काफी दूर स्थित होने के कारण चंद्रमा सूर्य के प्रकाश को पूरी तरह से ढक नहीं पाता है, जिसकी वजह से चंद्रमा के चारों ओर सूर्य का प्रकाश जो है चमकता हुआ दिखाई देता है, जिसकी वजह से सूर्य कंगन के आकार का दिखाई देता है तथा सूर्य कंगन की तरह चमकता हुआ दिखाई देता है। क्या सूर्य ग्रहण को खुली आंखों से देखा जाना चाहिए? वैज्ञानिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो सूर्य ग्रहण के समय सूर्य से निकलने वाली खतरनाक परावैगनी किरणें पृथ्वी तक पहुंचती है और खुली आंखों से देखने से आंखों को जबरदस्त नुकसान हो सकता है। अतः सूर्य ग्रहण के समय सूर्य को खुली आंखों से नहीं देखा जाना चाहिए। इसके लिए विशेष प्रकार के ग्लासेस का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। सूर्य ग्रहण देखने के लिए विशेष चश्मे, वेल्डर की ढाल या पिन होल इमेजिंग तकनीक, सोलर व्यूगम ग्लासेस, पर्सनल सोलर फिल्टर्स या आई क्लिप्स ग्लासेस का उपयोग किया जाना चाहिए। कई बार लोग फोटो नेगेटिव का इस्तेमाल भी सूर्य ग्रहण को देखने के लिए करते हैं। क्या सूर्य ग्रहण नुकसानदेह होता है या इसका हानिकारक प्रभाव जीवधारियों पर पड़ता है? तो इसके अलग अलग दृष्टिकोण हैं। यदि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो वैज्ञानिक ये मानते हैं कि यह एक प्रकार की खगोलीय घटना है और इससे किसी भी प्रकार की जो है वो नुकसान जीवों को नहीं होता है। लेकिन यदि नग्न आंखों के द्वारा सूर्य ग्रहण के समय सूर्य को देखा जाए तो उससे निकलने वाली जो रेडिएशन है वो आंखों पर हानिकारक प्रभाव डाल सकती है। लेकिन ज्योतिषी के आधार पर अगर हम बात करें तो ज्योतिषी के अनुसार सूर्य ग्रहण के समय राहु के द्वारा सूर्य को निगल लिया जाता है, जिससे कि इसका हानिकारक प्रभाव जीवधारियों पर पड़ता है। हानिकारक प्रभावों की जब हम बात करते हैं तो इस दौरान मंदिरों में के कपाट बंद कर दिए जाते हैं तथा पूजा अर्चना का जो कार्य है वो बंद कर दिया जाता है। अर्थात सूर्य ग्रहण को ज्योतिषी गणना के अनुसार अशुभ माना जाता है। उम्मीद करूंगा दोस्तों यह जानकारी आपको पसंद आएगी और सूर्य ग्रहण को एक खगोलीय घटना मानते हुए इसे जरूर देखा जाना चाहिए, लेकिन खुली आंखों से नहीं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।